महोदय, आज वास्तव में एक अति विशिष्ट दिन है। मैं समझा नहीं। मैं हिंदी 20 साल की उम्र के बाद सीखा हूँ और इसीलिए जो सीखा वही पुस्तक ही हिंदी बोलता हूँ। और मैंने देखा है कि देश भर के लोग इस हिंदी को अधिक समझते हैं, जिसको साधारणतः सरल हिंदी करके कहा जाता है उसको उत्तर भारत के लोग ज़रूर समझते हैं, लेकिन पूरे देश के नहीं समझ पाते। महोदया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरा गला आज साथ नहीं दे रहा, 2-3 दिनों से ये कष्ट रहा है, लेकिन मैं जब पीछे मुड़ कर के देखता हूँ तो मेरे जीवन का और मेरे जीवन के प्रमुख घटनाओं का आरंभ स्वतंत्रता प्राप्ति से नहीं होता। अंग्रेज का शासन मैंने देखा और वो जीवन के आरंभिक 20 वर्ष मन की एक ही इच्छा रहती थी कि इस साम्राज्यवाद से मुक्ति कब हो, कैसे हो। और उन दिनों में सचमुच जब महात्मा गांधी के बारे में सुनते थे या उनको 2-1 बार देखने का भी अवसर मुझे कराची में आया, बाद में यहाँ आने के बाद आया, तो सचमुच लगता था कि ऐसे महामानव बहुत विरले ही विश्व में पैदा होते। और आज मैं जब भारत के बारे में सोचता हूँ तो भारत स्वतंत्र हो गया है। भारत एक अणुशक्ति भी बन गया है। भारत आने वाले वर्षों में एक विश्व शक्ति बन जाएगा, इसमें भी लोगों को संदेह नहीं। लेकिन यह सब विशेषताएं होते हुए भी मुझसे कोई आज अगर पूछता है कि सबसे बड़ी विशेषता कौन सी है कि जो अंग्रेज से मुक्ति पाने के बाद, स्वतंत्र होने के बाद भारत में संविधान बनने के बाद और आज संसद का पहला दिन से लेकर के 60 वर्ष बीत जाने के बाद सबसे बड़ी उपलब्धि आप किसे मानेंगे? तो मैं कहूंगा जिस कारण से आज हम ये दिन मना रहे हैं कि भारत एक महान और सफल लोकतंत्र बना है, इस उपलब्धि को मैं सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूं। उन दिनों में कोई देखे कि जब भारत ने 1950 में लोकतंत्र अपनाया तो विदेशी विद्वानों ने कैसी कैसी टिप्पणियां की कि यह देश लोकतंत्रीय देश बनेगा। और मैं किसी को कोट नहीं करता हूं, लेकिन वहां के बड़े बड़े विद्वानों ने भी कहा कि जिस देश में करोड़ों लोग अपना नाम नहीं लिख सकते, अगर किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते हैं तो अंगूठा लगा करके अपना हस्ताक्षर करते हैं, वह देश लोकतंत्र कैसे बनेगा, वह देश सफल लोकतंत्र कैसे बनेगा? यह आशंका प्रकट करने वाले, अनास्था प्रकट करने वाले बहुत सारे लोग थे। और आज उनकी सारी अनास्था को, अविश्वास को झुटलाने वाला यह देश गर्व के साथ कह सकता है कि हमने 60 साल तक इस देश को एक सफल लोकतंत्र बनाए रखा, जिसको मनाने के लिए आज हम इस
13 तारीख को, 13 मई को यह विशिष्ट अवसर मना रहे हैं। मुझे याद है कि 1989 या 90 की बात होगी कि जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था, एक कैनेडियन टेलीविजन टीम नई दिल्ली आई थी मुझसे भेंट वार्ता करने के लिए। मेरे अशोक रोड के कार्यालय में आई और आकर के उन्होंने कहा कि आपका इतना अनुभव है भारत के लोकतंत्र का, स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर के आज तक का, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जहां दुनिया भर में जो भी विकासशील देश थे और उन्होंने साम्राज्यवाद से मुक्ति पाने के बाद लोकतंत्र अपनाया, लेकिन अधिकांश देशों में लोकतंत्र किसी न किसी प्रकार से विसर्जित हो गया। कहीं पर सैनिक शासन आ गया, कहीं पर और प्रकार का कोई अधिनायकवादी शासन आ गया। अकेला आपका देश है कि जहां पर यह आज भी सजीव है, आज भी सफल है और आज भी भविष्य अपना उसके आधार पर भी करने का निश्चय रखता है, संकल्प करता है। क्या कारण है? मैंने कहा मैं सोचता हूं तो मुझे एक ही बात सूझती है और वो ये सूझती है कि लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे बड़ा कोई गुण चाहिए, तो वो चाहिए, ये चाहिए कि एक विपरीत विचारधारा के बारे में भी सहिष्णुता का भाव हो। लेकिन मैं इस बात का गर्व करता हूं कि हमारे यहां पर विपरीत विचारधारा के लिए या विचार के लिए केवल सहिष्णुता का भाव नहीं होता है, आदर का भाव होता है। और यह आदर का भाव मैं उदाहरण के रूप में कहता हूं कि असहिष्णुता सबसे अधिक किसी क्षेत्र में होती है तो वह रिलीजन के क्षेत्र में होती है, पंथ के, मजहब के, इन क्षेत्रों में होती है। और उस क्षेत्र में दुनिया भर में तो साइंटिस्ट को भी और इंक्विजिशन के सामने लाया गया कि तुम जो बात कह रहे हो वो धर्म ग्रंथ में नहीं लिखी है, इसीलिए तुम्हारा ट्रायल होगा। हिंदुस्तान में ट्रायल तो छोड़िए, एक ऐसा विचारक था जिस विचारक ने कहा कि ये जो आपको कहते हैं कि अच्छा आचरण करो तो अगले जन्म में उसका तुमको पुण्य मिलेगा, ये पंडित बेकार बात करते हैं, आप फिक्र मत करो उनकी और आप खूब खाओ पियो मौज करो, ईट ड्रिंक एंड मेक मेरी। उनका चार्वक का प्रसिद्ध वाक्य है, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, अर्थात कर्जा लो और घी पियो। मैंने इन वेस्टर्न कंट्रीज में कभी इसको सुनाता था, मैं उनको कहता था ही वॉज नॉट टॉकिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स, ऋणम कृत्वा घृतम पियो पिबेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यह देह तो भस्म होने वाला है, यह सोचना कि अगला जन्म आएगा कुछ नहीं आएगा बेकार बात है। और यह कहने वाला चार्वाक, उसको इंक्विजिशन के सामने नहीं खड़ा किया, उसको ऋषि चार्वाक कहा, अर्थात सहिष्णुता नहीं लेकिन आदर का भाव। जब पंथ के, मजहब के क्षेत्र में विपरीत विचार वाले का आदर हो, उसको ऋषि कहा जाए, तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति कहता है कि पूरा का पूरा राज्य के अधीन होना चाहिए, दूसरा कहे कि सारा का सारा आम जनता के अधीन हो जाए, होना चाहिए, इस पर मतभेद में असहिष्णुता कैसे होगी? मैं मानता हूं कि भारत में लोकतंत्र की सफलता का प्रमुख कारण है विपरीत विचारधारा के लिए आदर का भाव, और संसद इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी मुझे 3-4 महीने सीनियर है संसद में, और मैं दोनों हम राज्यसभा में ही पहले आए, और उन्होंने अभी अभी जो बात कही मैं उसको पूरी तरह से इंडोर्स करता हूं, और मैं कहता हूं कि अगर हम एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखेंगे, विपरीत विचारधारा के प्रति आदर का भाव रखेंगे, तो
डिबेट के द्वारा ही, बहस के द्वारा ही, विवाद के द्वारा ही हर समस्या का हल निकल आएगा और संसद की समस्या इसी में। बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने अगर धन्यवाद का उल्लंघन किया तो क्षमा प्रार्थी।